हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम ओम शन्नो मित्र शंवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्रीशङ्करानन्दगुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे पंचदशी नवमा प्रकरण ध्यान दीप श्लोक नंबर 10 प्रत्यक्षानुमानस्य तथा शास्त्रस्य गोचरे उक्तन्यायेन संवादी भ्रमास्यन्ति हि कोटिशः ग्यारह अन्यथा मृत्तिकादारु शिलास्युर्देवता कथम् अग्नित्वादिधियोपास्याः कथम् वायोषिदादयः वार्तिदीप मुनि कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमानस्य तथा शास्त्रस्य गोचरे वार्तिदीप मुनि कह रहे हैं गोचरे प्रसिद्ध है आपके लिए ये संवादी भ्रम शब्द जो है वो नया है अब लेकिन वो अनुभव जो है वो तो हमारे प्रसिद्ध ही है प्रत्यक्ष मणि प्रभा जो मणि का प्रकाश है दीप प्रभा दीप का प्रकाश है तो इस प्रकार से हमें अनुभव में आता है अनुमान भी हम करते हैं
और शास्त्र भी हमें कहते हैं, शास्त्र के द्वारा भी इस प्रकार से कहा जाता है कि अगर अभांता से भी नारायण का नाम लिया, मृत्यु समय अगर भगवान का नाम लिया है तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप देखो तो शास्त्र भी ये बात करते हैं, और इसीलिए संवादी भ्रम शब्द भले आपके लिए नया है लेकिन ये आपके अनुभव की ही बात है। क्यों? क्योंकि संवादी भ्रम जहां होता है अभिप्रेत लाभ, आप देखो जिस उद्देश्य और जिस लाभ का उद्देश्य है वो उद्देश्य की सिद्धि होती है। मणि के प्रकाश में मणि बुद्धि करके जो दौड़ रहा है उसे मणि की प्राप्ति होती है, आप समझो। गोदावरी में गंगा की बुद्धि करके जो स्नान कर रहा है उनको भी शुद्धि प्राप्ति होती है। और इसलिए कहते हैं कि ये संवादी भ्रम शब्द है लेकिन ये हमारा अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव है, अनुमान का अनुभव है, और शास्त्र में भी ये प्रसिद्ध है। तो आगे समझाते हैं कि अगर ये संवादी भ्रम अगर आप स्वीकार नहीं करते तो फिर शास्त्र पर ही प्रश्न उठेगा। आप समझो वैदिक संस्कृति जो जिसको हम कहते हैं, ये हमारी जो वैदिक संस्कृति है, भारतीय सनातन धर्म जो है, ये जो अध्यास जो है अतस्मिन तद्बुद्धि अध्यास का, अध्यास की व्याख्या है। आप समझो जो जो नहीं है उसमें उस बुद्धि करना, रज्जु सर्प नहीं है फिर भी रज्जु में सर्प बुद्धि करते हैं वो अध्यास है, ब्रह्म है। तो सर्प बुद्धि जो है वो अज्ञान जन्य ब्रह्म है, अध्यास है, आप समझो। लेकिन शास्त्रोक्त अध्यास भी है, और इसलिए कहते हैं कि अगर आप ये संवादी भ्रम नहीं स्वीकार करते तो शास्त्रोक्त जितने भी भ्रम या जितने भी अध्यास जो है, अब शालिग्रामे विष्णु बुद्धि ही, और इसीलिए ये श्लोक में हमें समझाते हैं अन्यथा, अन्यथा मानी अगर आप संवादी भ्रम नहीं स्वीकारते तो क्या होगा, मृत्तिका दारू शिला स्युह देवता कथम। मृत्तिका पार्थिव लिंग, हम शंकर भगवान के लिए पार्थिव लिंग बनाते हैं तो पार्थिव लिंग बना के हमें वहां शंकर भगवान की पूजा करते, शिव पूजा करते हैं, देवता बुद्धि वहां करते हैं हम, आवाहयामी स्थापयामी। आप देखो उसी प्रकार से दारू लकड़ी, हमारे जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ भगवान है वो दारू है, आप देखो शिला शिवलिंग बनाते हैं पत्थर से, शिला माने पत्थर, पत्थर से हम माता जी की मूर्ति बनाते हैं और उसी में हम माता जी का आवाहन करते हैं और माता जी की पूजा भी करते हैं। तो कहते हैं कि अगर ये संवादी भ्रम आप नहीं स्वीकारते तो फिर मृत्तिका में या लकड़ी में ये शिला में पत्थर में जो हम देवता बुद्धि करते हैं वो कैसे होगा, आप शिला स्युहु देवता कथम, वो देवता कैसे बन जाएंगे, ये महाकालेश्वर है, ये सोमनाथ है, आप देखो ये बालाजी है, तिरुपति बालाजी है, ये श्री कृष्ण है, तो देवता वो कैसे बनेंगे अगर आप संवादी ब्रह्म नहीं स्वीकारते। अग्नित्वादि धियोपास्याः कथम वायोषिदादयः, उपनिषद में ये पंच अग्नि की पूजा है, पंच अग्नि की उपासना है,
तो वहां अग्नि बुद्धि करते हैं हम, उसे पंचाग्नि विद्या कहते हैं। तो पंचाग्नि विद्या जब हम करते हैं तो वहां क्या होता है, स्वर्ग में अब देखो मेघ में जल में पुरुष में स्त्री में पृथ्वी में, सॉरी मेघ में पृथ्वी में पुरुष में और स्त्री में हम अग्नि बुद्धि करते हैं, पंचाग्नि विद्या है। तो बोले कि अगर आप ये नहीं स्वीकारते संवादी ब्रह्म, तो ये पांच में जो हम अग्नि विद्या करते हैं, पंचाग्नि विद्या की उपासना जो करते हैं, अग्नित्वादि धीय अग्नि आदि धीय बुद्धि हम करते हैं, पंचाग्नि विद्या में हम अग्नि बुद्धि करके वहां उपासना करते हैं। छंद के उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, अनेक प्रकार की उपासना है, आप समझो। तो जितनी ही उपासना जो शास्त्र के द्वारा दर्शाई है, तो अगर ये संवादी भ्रम आप नहीं स्वीकारते, तो फिर ये उपासना जो है कथम वा योषिदादेय है, तो फिर योषिद मानी स्त्री, स्त्री में अग्नि बुद्धि आप कैसे करेंगे, पुरुष में हम अग्नि बुद्धि करते हैं, पृथ्वी में हम अग्नि बुद्धि करते हैं, मेघ में हम अग्नि बुद्धि करते हैं, स्वर्ग में हम अग्नि बुद्धि करते हैं। तो ये सब जो उपासना जो है, अब देख मनो ब्रह्मे दिव्य जानात, अब देखो मन में ब्रह्म बुद्धि करते हैं, आदित्य में ब्रह्म बुद्धि करते हैं, अनेक प्रकार की उपासना है, आप समझ। तो आदित्य में ब्रह्म बुद्धि करके हम जो उपासना करते हैं, तो बोले इतनी सारी उपासना जो शास्त्रों के द्वारा दर्शाई है, तो आप संवादी ब्रह्म अगर नहीं स्वीकारते तो उपासना संभव नहीं है, आप समझे। और इसलिए कहते हैं कि संवादी ब्रह्म जो है वो है, आप समझे। तो बोले ये ठीक है, लेकिन संवादी ब्रह्म माने क्या है, संक्षेप में अगर आप दर्शाए तो अगले 12वें श्लोक में कहते हैं अयथा वस्तु विज्ञानात् फलं लभ्यते इप्सितम्, अयथा वस्तु विज्ञानात् फलं लभ्यते इप्सितम्, काकतालीयतस्सोयम् काकतालीयतस्सोयम् संवादी भ्रम उच्यते संवादी भ्रम उच्यते। बोले सीधा सीधा अर्थ है अयथा वस्तु, जो जो नहीं है विज्ञानात् उसको वो मान लेना, ये पत्थर है, आप देखो हमारी आंख से हम देख रहे हैं कि ये आरस का पत्थर है, मार्बल है, आप देखो आरस पहाड़ है ये, लेकिन वहां हम माता जी की बुद्धि करते हैं, ये अंबा माँ है, ये सरस्वती है, ये लक्ष्मी है, आप देखो लभ्यते इप्सितम्, जो हमारी इच्छा है, जो इप्सित माने की जो प्राप्त करने की इच्छा है वो हमें प्राप्त होता है। शिला में हम सरस्वती बुद्धि करते हैं, सरस्वती की उपासना करते हैं और हमें इच्छित फल की प्राप्ति होती है। तो बोले ये कैसा है, काकतालीयतः सोयम संवादी भ्रम उच्यते, देखो ये बहुत प्रसिद्ध है, सब जानते काकतालीय, काग का बैठना और नारियल का फड़ना, आप देखो सब गुजराती में भी कहते हैं कागनु बेसुन ताड़नु पड़वू जा। अब तो बोले कि ये ताली जो ताड़ का वृक्ष होता है ना, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, अब तो वो वृक्ष पर जब बैठता है तो वो फल गिरता है, अब काक के बैठने से वो फल नहीं गिरा है, आप समझो, लेकिन हम उनके साथ उनको जोड़ देते हैं, व्यवहार में भी ऐसा होता है। तो ये काग का वहां बैठना और फल का जो गिरना जो है उसे कोई संबंध नहीं है, फिर भी हम वो संबंध देखते हैं, और इसलिए कहते हैं काकतालीय न्याय सहायम संवादी ब्रह्म उच्यते।
हम ये करते हैं, इस प्रकार से हम बुद्धि करते हैं, अग्नि बुद्धि करते हैं, ब्रह्म बुद्धि करते हैं, और जो इप्सित फल है वो जो हमारी इच्छनीय फल है वो इच्छनीय फल की प्राप्ति भी हमें होती है। और इसलिए कहते हैं ये सब संवादी ब्रह्म है, जो उपासना जो है वो सब संवादी ब्रह्म है। अब सुन, मणि जो है ये ठीक से समझ लेना है, मणि की प्रभा है, मणि हम नहीं जानते, मणि का तो अज्ञान ही है हमें, हम मणि देखते ही नहीं है, लेकिन जो प्रकाश है वो प्रकाश में हमने मणि बुद्धि करके रखी है। मणि बुद्धि करके जब हम वहां दौड़ते हैं और वहां जब प्रकाश देख के हम दौड़ रहे हैं और मणि की प्राप्ति होती है हमें, उसी प्रकार से शिव बुद्धि हम लिंग में, शिवलिंग में शालिग्राम में विष्णु बुद्धि ही आप पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते कि अगर आपके पास गणपति नहीं है, ये उत्तर भारत में होते वो सोपारी जो होती है ना उसी को उसी में रख देते, उसी में हम अग्नि गणपति का आवाहन करते हैं। दक्षिण में आप जाएंगे तो वो हल्दी का पिंड बनाएंगे, हल्दी लेंगे, हल्दी में थोड़ा पानी डाल के उसका एक पिंड बना देंगे और पिंड को पत्ते पर रख देंगे और वो जो हल्दी है वो हल्दी का जो पिंड है उसी में गणपति का हम आवाहन करते हैं। आप देखो और पूजा करते हैं। और इसीलिए कहते कि ये संवादी ब्रह्म है, आप समझो, गणपति न होते हुए भी हम गणपति बुद्धि करते हैं और गणपति के पास हम इप्सित इच्छनीय फल भी प्राप्त करते हैं। और इसीलिए ये संवादी ब्रह्म है, आप समझो, शास्त्र में भी है। तो बोले वो ठीक है, लेकिन अगर मैं संवादी ब्रह्म के द्वारा मेरे इच्छनीय फल की प्राप्ति मुझे होती है, लेकिन संवादी ब्रह्म के द्वारा अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा, अपरोक्ष ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी मुझे, तो उसके लिए आगे का श्लोक, स्वयं ब्रह्मोपि संवादी, स्वयं ब्रह्मोपि संवादी, यथा सम्यक् फलप्रदः, यथा सम्यक् फलप्रदः, ब्रह्मतत्त्वोपासनापि, ब्रह्मतत्त्वोपासनापि, तथा मुक्ति फलप्रदा, तथा मुक्ति फलप्रदा। बोले कि ये जो संवादी जो है वो स्वयं ब्रह्म है, मणि के प्रकाश में मणि बुद्धि करके रखी वो ब्रह्म मात्र है, फिर भी हमें वो मणि की प्राप्ति होती है। यथा सम्यक फलप्रद, सम्यक इच्छनीय फल प्रदान करने वाला है वो, भले वो ब्रह्म है लेकिन हमें फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से ब्रह्म तत्व उपासनया, ब्रह्म तत्व का हम, ब्रह्म तत्व की हम उपासना करेंगे तो हमें मुक्ति का फल भी अवश्य प्राप्त होगा। और इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म तत्व की जो हम उपासना करते हैं, आदित्यम ब्रह्म, आप देखो तो आदित्य जो है वो ब्रह्म है ही, लेकिन हम जानते नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, ब्रह्म बुद्धि करेंगे वहां पर। तो आदित्य में ब्रह्म बुद्धि जब हम करते हैं वो ब्रह्म नहीं है, फिर भी वो ब्रह्म है, क्यों, क्योंकि हम ब्रह्म को नहीं जानते। अगर ब्रह्म को जानते हैं तो फिर वो उपासना नहीं होगी, वो ज्ञान होगा। आप समझो, उपासना और ज्ञान दोनों अलग है। और इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म तत्व की जब हम उपासना करते हैं तो आदित्य में जब हम ब्रह्म तत्व की उपासना करते हैं, शास्त्र में अनेक प्रकार की अहंग्रह उपासना मानी कि अपने आप को ही ब्रह्म मान के चलो, मैं ब्रह्म हूं। अब देखो आगे में कह के महर्षि इसलिए कहते रहते थे, झूठ मूठ ही मान लो कि तुम ब्रह्म हो, कुछ समझ में नहीं आया लेकिन मान लो मैं ब्रह्म हूं,
निर्विकारी निर्गुण असंग ब्रह्म में हूं। और वो ब्रह्म के जो गुण है वो असंग है, तो जानो मैं भी असंग हूं, ब्रह्म निर्विकारी है, मैं निर्विकारी हूं। आप करो चिंतन, इस प्रकार से जब हम अहंग्रह उपासना जब हम करते हैं तो वो ब्रह्म में हमारी निष्ठा होती है, और ब्रह्म में निष्ठा होने के कारण हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से ब्रह्म उपासना के द्वारा भी ब्रह्म तत्व उपासना, ब्रह्म तत्व उपासना जो है वो भी हमें मुक्ति का फल देने वाली हो सकती है। आप समझे, भले वहां पर हम ब्रह्म जानते नहीं है लेकिन हमारी बुद्धि ब्रह्म बुद्धि हम करेंगे तो हमें मुक्ति की मुक्ति का फल जो है अवश्य प्राप्त होता है। आगे वेदांतेभ्यो ब्रह्म तत्त्वम्, वेदांतेभ्यो ब्रह्म तत्त्वम् अखंडैकरसात्मकम्, अखंडैकरसात्मकम् परोक्षमवगम्येत। परोक्षमवगम्य एतत् अहमस्मित्युपासते। जो मैंने कहा ना अहंग्रह उपासना, जो ब्रह्म का शास्त्र चिंतन के द्वारा शास्त्र श्रवण से हमें वो ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान तो हो ही गया है। देखो इसलिए मैं कहती हूँ शास्त्र का विकल्प नहीं है, ये शास्त्र श्रवण तो है ही, और शास्त्र श्रवण से हमें क्या हुआ है वेदांतेभ्यः, उस वेदांत शास्त्र के श्रवण के द्वारा ब्रह्म तत्त्वम् अखंडैकरसात्मकम् परोक्षम् अवगम्यते। अब परोक्ष रूप से तो हमें ये ज्ञान हो गया है, परोक्ष ज्ञान तो अवगम्यते जानते हैं। अब वो ब्रह्म क्या है, अखंड एकरस असंगः निर्विकारी। तो वेदांत शास्त्र का श्रवण जब हम करते हैं तो ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान तो हमें हो जाता है, वो ब्रह्म के क्या क्या, ब्रह्म का क्या स्वरूप है वो भी हम जान लेते हैं, वो सत स्वरूप है, वो चित स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। चित स्वरूप है तो वो असंग है, निर्विकारी है। अब तो ये ब्रह्म का जो स्वरूप जो है वो स्वरूप वेदांत के द्वारा हम जानते हैं अवगम्य, तो परोक्ष रूप से तो ब्रह्म का ज्ञान हो गया है। एतद अहम अस्मीति उपासते, अब क्या करो आप, वो ब्रह्म जो है वो मैं हूं, इस प्रकार से आप उपासना करो, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, मैं अखंड हूं, मैं पूर्ण हूं। अब पूर्णता जो है आप देखिए अपने आप में, आप पूर्णता देखने का प्रयत्न करो, जो अपूर्णता है वो शरीर की दृष्टि से, इंद्रिय की दृष्टि से, मन की दृष्टि से है, आत्म तत्व की दृष्टि से तो कोई अपूर्णता है ही नहीं। तो इस प्रकार से परोक्ष ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी अगर उसमें हम अहम बुद्धि करके उपासना करते हैं तो वो संवादी भ्रम है। जो अहम है उनको तो हम जीव मान के चल रहे हैं, संसारी मान के चल रहे हैं, उसी पर हम ब्रह्म बुद्धि करेंगे। और वो ब्रह्म बुद्धि जब हम करते हैं तो अंत में हमें अपरोक्ष ब्रह्म का ज्ञान होगा। और इसलिए कहते हैं कि अहम बुद्धि करके जब हम उपासना करते हैं तो मुक्ति का फल भी हमें अवश्य प्राप्त होता है। आगे प्रत्येक व्यक्तिम अनुल्लिख्य शास्त्राद्विष्णादिमूर्तिवत अस्ति ब्रह्मेति सामान्य ज्ञानमत्र परोक्षदीः, अस्ति ब्रह्मेति सामान्य ज्ञानमत्र परोक्षदीः। तो बोले कि ये उपासना के लिए जो हम करते हैं वो क्या है, परोक्ष ज्ञान है, आप देखो परोक्ष बुद्धि है ना ब्रह्म में,
तो ब्रह्म में हमारी जो परोक्ष बुद्धि है वो हमारे उपासना के लिए आवश्यक है। और इसलिए कहते हैं प्रत्येक आत्मा के रूप में हम नहीं जानते ब्रह्म को। अस्ति ब्रह्मेति, हम देख के गए, अस्ति ब्रह्मेति ये परोक्ष ज्ञान है, अस्मि ब्रह्म जो है वो अपरोक्ष ज्ञान है। अब वेदांत शास्त्र का हम श्रवण करते हैं तो वेदांत शास्त्र के श्रवण के द्वारा ये अस्ति ब्रह्म जो है वो सामान्य ज्ञान तो हमें हो गया है। जब सामान्य ज्ञान हो गया है, प्रत्येक आत्मा जो साक्षी स्वरूप है, व्यक्तिम अनुलिख्य, अनुलिख्य माने कि अपने आप को ब्रह्म स्वरूप नहीं जानते अभी, फिर भी अस्ति ब्रह्म, ब्रह्म है ये बुद्धि तो है हमारी, तो परोक्ष ज्ञान जो हमें हुआ है वो ब्रह्म का जो परोक्ष ज्ञान है वो ब्रह्म जो है उसको हम अहम पर अध्यारोपित करना है, मैं ब्रह्म हूं। किस प्रकार से, देखो ये संधि है, शास्त्राद, शास्त्र के द्वारा विष्णु आदि मूर्तिवत, शास्त्र के द्वारा हमें विष्णु आदि मूर्तिवत, ये विष्णु है, लक्ष्मी नारायण है, ये शिव पार्वती है, राधा कृष्ण, आप देखो तो है, हम देख रहे हैं मूर्ति, आप समझो, फिर भी हम वहां विष्णु बुद्धि करते हैं और विष्णु बुद्धि करके हमें विष्णु भगवान का अनुग्रह भी प्राप्त होता है। और इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से शास्त्र के द्वारा ये जो हमें अध्यारोप किया है, ये विष्णु भगवान है, ये गणपति है, अब तो हम देख रहे हैं कि ये पत्थर है, फिर भी हम वहां विष्णु बुद्धि करते हैं, शास्त्र में हमारी श्रद्धा है, शास्त्र कहते हैं कि ये विष्णु है, तो हमारी बुद्धि विष्णु बुद्धि हम करते हैं वहां पर। संपूर्ण जो भक्ति है ना, तो भक्ति में भी क्या है, विष्णु भगवान का पूर्णतः हम नहीं जानते, लेकिन शास्त्र ने कह दिया ये विष्णु है तो हमने मान लिया ये विष्णु है। जो सामान्य जन है उनको तो कुछ भी पता नहीं है, अंबा माता कौन है, कुछ कुछ भी नहीं, बोल दिया ये अंबा मां है, बात खत्म, बस वो करते रहते हैं उपासना, ये कृष्ण भगवान है। अब देखो इसलिए मैं कहती हूं हमारा जो शास्त्र जो है बहुत सूक्ष्म है। बुद्धू स्वामी जिसलिए बहुत सुंदर कहते थे, देखो आजकल भी जो ये बहुत पढ़े लिखे ने सिर्फ वो पढ़ना लिखना जानते हैं, ऐसे लोग हैं, आजकल भी ये चल रहा है। पूज्य स्वामी जी हमेशा अपने काल की बात करते थे कि उनके समय में, अब देखो साबुन हम कहते हैं, कोई साबुन नहीं कहता, लक्ष्य दे दो, एक लक्ष्य दे दो, अब देखो कोई टूथपेस्ट नहीं कहता था, एक कॉलगेट दे दो, आजकल भी करते हैं बहुत सामान्य लोग जो होते हैं, हम कहते हैं ना टूथपेस्ट कॉलगेट लाना है, हाँ। तो ये जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां है उन लोगों ने क्या किया है, पहले साबुन बनाया, वो साबुन को एक नाम दिया लक्ष्य, अब फिर वो इतनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जाहिरात करते हैं, तो साबुन और लक्ष्य जो है, लक्ष्य और साबुन जो है वो एक बन गए। साबुन तो अनेक प्रकार के, लिरिल भी साबुन है, डो भी साबुन है, साबुन अनेक प्रकार के हैं, लेकिन वो कंपनी ने इतनी एडवर्टाइजमेंट करके रखी है कि साबुन और लक्ष्य एक हो गए हमारे लिए,
और अब साबुन की जगह पर हम कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं, लक्ष्य का प्रयोग करते हैं, टूथपेस्ट है, लेकिन कोई टूथपेस्ट शब्द नहीं उपयोग करते, कॉलगेट दे दो, बिना का दे दो, अब दे, गुड नाइट दे दो, अब देखो अभी ऑल आउट दे दो। ऑल आउट जो है वो तो कंपनी ने दिया हुआ नाम है, जो है वो क्या है, मॉस्किटो रेपेलेंट है वो, लेकिन सामान्य जन मॉस्किटो रेपेलेंट नाम नहीं जानते, आप समझो उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन ऑल आउट कहेंगे तो जान जाएंगे वो, गुड नाइट कहेंगे तो जान जाएंगे। जो जो है वो शब्द नहीं जानते वो लोग, साबुन शब्द नहीं है, टूथपेस्ट शब्द नहीं है, आप देखो, और आप जाके कहेंगे तो वो दे देते हैं हमें। तो कंपनी वाले ने हमारी बुद्धि में, वो हमारी बुद्धि में जो है ऐसा एक ठसा के रख दिया है कि हम साबुन शब्द का प्रयोग ही नहीं करते, लक्ष्य कहते हैं, हम टूथपेस्ट शब्द का प्रयोग करते ही नहीं है, हम कॉलगेट ही कहते हैं। अब समझो ये, इतने ऐसे तो कितने सारे शब्द हैं जो मूल जो पदार्थ जो है, जो उनका नाम है वो हम जानते ही नहीं है। अब देख, तो उसी प्रकार से अनंत काल से जो ये वेद शास्त्र जो है वो शास्त्र ने एक ये बना के रखा है। अब देख, ये कृष्ण है, विष्णु है, ये आदिशक्ति है, ये उमा है, ये पार्वती, अब समझ, भारत में किसी को ये सिखाना नहीं पड़ता, ये अंबा माता है, बच्चे लोग भी जानते हैं, ये हनुमान है। अब देखो अभी एक बहुत सुंदर फोटो आया था फेसबुक पर, कहीं पर दरिया, ये सागर के किनारे एक छोटी सी मूर्ति थी, अब वर्षा आरंभ हो गया तो एक छोटा बच्चा करीब करीब 4-5 वर्ष का होगा, उसके हाथ में छाता था, उसने क्या किया, उसने देखा ये भगवान है। अब देखो तुरंत वो वहां गया और वो छाता भगवान के ऊपर रख दिया और किसी ने वो फोटो खींच ली। अब देखो 4-5 साल का बच्चा भी जानता है ये भगवान है। अब देखो ये गणपति है, ये विट्ठल है। तो जिस प्रकार से विष्णु आदि मूर्ति में हम जो भगवान है, हम भगवान शब्द क्या है, भगवान शब्द का अर्थ क्या है, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन बस ये विष्णु है, वो विष्णु बुद्धि कर ली हमने, हमारी आंख से हम पत्थर देखते हैं, आप देखो, लेकिन विष्णु बुद्धि कर ली तो विष्णु भगवान का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है, समझ रहे हो। उसी प्रकार से नाम भी है, राम, लक्ष्मण, भरत, नारायण, शिव, कृष्ण, राधा, आप देखो ये हमारी संस्कृति अद्भुत है, आप समझो, ये गंगा है, ये गोदावरी है, ये यमुना है, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, अब
ये वृंदावन है, ये मथुरा है, ये अयोध्या है, रामेश्वर है। आप देखो देश की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वहां पर भी हमारे ये संबंध है। काल की दृष्टि से भी आप देखो अष्टमी मणि दुर्गा अष्टमी, चतुर्थी मणि गणेश, विनायक, क्या या तो वो संकट चतुष्टी है या तो विनायक चतुष्टी है, एकादशी है, त्रयोदशी जो शिवरात्रि है। हम देखो तो काल की दृष्टि से अगर हम देखते, वार की दृष्टि, दिन की दृष्टि से सोमवार है वो शंकर भगवान का है, मंगलवार है वो शक्ति का है, बुधवार वो गणपति का। तो वार की दृष्टि से, तिथि की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, देश की दृष्टि से, नाम की दृष्टि से, आकार मूर्ति की दृष्टि से, अब देखो अनेक है। विष्णु आदि, आदि माने क्या है, मात्र आकार नहीं है। एकादशी जो है वो विष्णु भगवान से जुड़ी हुई है, चतुष्टी जो है वो गणपति से जुड़ी हुई है। देश देखो आप, देश काल वार तिथि इतना ही नहीं, पुष्प भी है। धतूरा शंकर भगवान को बहुत पसंद है, पुष्प की दृष्टि से, फल की दृष्टि से, व्यंजन की दृष्टि से, मोदक प्रिय है, गणेश है। अब तो शास्त्र ने इस प्रकार से एक व्यवस्था करके रखी है। तो भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं कि ये जो है वो संवादी ब्रह्म है। आप देखो तो जिस प्रकार से ये विष्णु बुद्धि हम करते हैं तो वहां भी हमें इप्सित फल की प्राप्ति होती है। तो अगर पत्थर में हम विष्णु बुद्धि करेंगे, शालिग्राम में विष्णु बुद्धि ही, अब तो हम ब्रह्म तत्व की उपासना कर रहे हैं और परोक्ष ब्रह्म को जानते हैं, वो परोक्ष ब्रह्म का हम अपने आप में अध्यारोप करके अहम अस्मि इति, आप देखो आप झूठ-मूठ मान लो मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। वेदांत शास्त्र के श्रवण से आपको ब्रह्म क्या है वो तो प्राप्त हो गया है। अखंड एक रस सदैव ब्रह्म, एकम अद्वितीयम ब्रह्म, आप देखो सच्चिदानंद ब्रह्म। तो परोक्ष ज्ञान तो है, देखो इसलिए मैं कहती हूं परोक्ष ज्ञान है, माने कि शास्त्र श्रवण मनन तो किया ही है लेकिन निष्ठा नहीं होती है। तो उपासना के द्वारा वो निष्ठा हम प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म की उपासना के द्वारा वो परोक्ष ब्रह्म से वो अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। आप सब और इसलिए कहते हैं ब्रह्म तत्व उपासना या अहम अस्मीति, तो वो भी शास्त्रोक्त है। तो ब्रह्म तत्व की अगर हम उपासना करेंगे तो ब्रह्म तत्व की उपासना के द्वारा भी परोक्षम अवगम्यते अहम एतद अहम अस्मीति, परोक्ष ज्ञान जो है अस्ति ब्रह्मेति सामान्य ज्ञानम, अस्ति ब्रह्मेति ये सामान्य ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। अब उसमें हम क्या करेंगे, अहम बुद्धि करके देखें, अत्र परोक्ष धीहि, तो ब्रह्म है ये ज्ञान है हमें, ब्रह्म का स्वरूप क्या है वो भी ज्ञान है लेकिन वो परोक्ष धीहि परोक्ष बुद्धि है। तो जब परोक्ष बुद्धि हुई है अब वो परोक्ष बुद्धि को हमें क्या करना है, अपरोक्ष बुद्धि करना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, उपासना करेंगे अहम अस्मि, आप उपासना करो मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, तो वो अपरोक्ष बुद्धि हो जाएगी।
लेकिन परोक्ष बुद्धि जो है, और परोक्ष बुद्धि के साथ जब अहम बुद्धि हम करते हैं, वो संवादी भ्रम है। वो संवादी भ्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां ज्ञान नहीं है। आप समझो,